ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे की जानी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसी करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए, किस द्रव्य से द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों को इस विषय में वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पवित्र द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से उसकी रुचि के अनुसार कल्पोक्त दक्षिणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पूजा यदि की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि जल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना गया है। यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार चौकोर त्रिकोण अथवा खाट के बाये की भांति ऊपर नीचे मोटा तथा बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसकी पीठ भी बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु वर्ण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं होती है। चरलिंग में भी ऐसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के एक उंगली के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होने पर दोष की बात नहीं होती है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ एवं दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो और पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल बैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सज्जोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ सुवर्ण ग्रह तथा भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्दोजात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उससे नित्य लेपन दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इस प्रकार वहां परम सुंदर वीर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठान के लिए कही गई है वैसी ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए ही समझनी चाहिए। अंतर इतना है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र का उच्चारण का विधान है, परंतु मूर्ति की प्रतिष्ठा पज्जाक्षर मंत्र से करना चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त मूर्ति को रखना चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजन से ग्रहण करें। बाहर मूर्ति लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो।
इस प्रकार लिंगमय और मूर्तिमय भी की हुई महादेव की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम में भेद से लिंग के दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग को सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए। जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित होता है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। जो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोहण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला होता है, अथवा चरलिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजा करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला होता है। आवहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पादांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निरांजन नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवी देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे जैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्य से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उनका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जाप करें। अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जाप करें। यह भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। जब काल के मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि कराने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है और अन्य सब समय में उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदरपूर्वक 10,000 पद्याक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मण के लिए आदि में प्रणव से युक्त पद्याक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजनों के लिए नमो शिवाय का उच्चारण का विधान है। द्विजोत्तरों के लिए अंत में नमः पद की प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवा नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोन्तम उच्चारण का विधान है, अर्थात वे भी शिवा नमः का ही जाप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय की जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जाप करें। पद्याक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने पर क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1,00,000 जप करें। अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1,000 दिनों में प्रतिदिन 1,000 जप के क्रम से पद्याक्षर मंत्र का 10,00,000 जप द्वारा पूरा कर लिया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो इस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है।
ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती हैं। वेद मंत्रों और वैदिक सूत्रों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपना कर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1000 जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवारी या बगीचा आदि लगाता है तथा शिव के कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें वह जड़ चेतन सभी को भोग तथा मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी कुआ और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहां स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने को किसी मृत संबंधी का दाह शदाह मासिक श्राद्ध सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के साथ 7-5-3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्णों के अनुसार सदाचार का पालन करने से मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णाकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः मध्यान्ह और सायं। इन तीनों क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्यकाल में सकाम कर्म के लिए उपयोगी होता है और सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निषिद्ध काल कहा गया है। विशेषतः उस काल में हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है, ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलियुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है तो पाप से डरता है तो वह उन कर्मों को पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें तथा हमें यह संक्षेप में बताइए।